का पेज आप कर सकते हैं ज्वाइन। ये पेज हमारा फेसबुक पे मौजूद है और इसके तकरीबन 14,000 मेंबर्स हैं। अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं फेसबुक पे। इसके लिए आपको हमें अपनी उम्र, अपनी हाइट, अपना वजन, ये सारी चीजें, अपनी सारी मालूमात फराहम करनी होंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है, कोई भी स्पेसिफिक जो है वो इशू है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, सो डैट हम उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको एक डाइट प्लान या फिर कोई भी आपका सवाल है उसके हिसाब से आपको उसका जो जवाब है वो प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम रिप्लाई नहीं करते और बहुत देर से रिप्लाई करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत, तहे दिल से माजरत, बिकॉज पेज को मैनेज करना एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई ऐसा कॉमन सवाल है जो कि बहुत सारे लोग हमसे कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कर रहे होते हैं, यानी बहुत बार वो सवाल पूछा जाता है, तो उसको हम अपने शो में ऐड करें ताकि सिर्फ आपको नहीं बल्कि बाकी तमाम लोगों को भी जो है वो उससे फायदा हो। आज हम बनाएंगे एक ऐसी चीज जो कि हर घर में बन रही होती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, और हर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बन रही होती है। दालें लोग नहीं खाते और दाल का नाम सुन के नाक मुंह जबान चढ़ाने लगते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं खानी, ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन दाल बनाने के लिए मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करती हूँ, ये बात मैं हमेशा व्यूवर्स को भी बता रही होती हूँ कि अगर आप जिस तरह से आप गोश्त बनाते हैं एहतमाम के साथ, जिस तरह से आप रोगनी रोगनी खाने बना रहे होते हैं एहतमाम के साथ, अगर आप इतने ही एहतमाम के साथ दाल बनाएंगे तो क्यों नहीं अच्छी बनेगी और क्यों आप लोग शौक से नहीं खाएंगे। आज हम बनाएंगे माश की दाल। दालों के कितने फायदे हैं, दालों से क्या क्या हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे, साथ साथ डाइट टिप्स, हेल्थ टिप्स भी आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन पहले आते हैं हम मजेदार सी माश की दाल की रेसिपी की तरफ। इसमें जो मसाले हमने ऐड करनी है इस तरफ आ जाते हैं। कड़ी पत्ता हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 पत्ते कोयला में लूंगी। अच्छा, इससे पहले कि हम बाकी रेसिपी स्टार्ट करें बनाना, एक काम करेंगे कि कोयले को पहले ही हम दहकने के लिए रख देंगे। कोयले को हम यहाँ पे रख देंगे, सो डैट ये कोयला जब तक दहकेगा तब तक हमारी जो बाकी की डिश है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अदरक हम इसमें यूज करेंगे पेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि माश की दाल इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग जो कि थोड़ी देर से, थोड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, इस वजह से हम इसमें अदरक का इस्तेमाल भी करेंगे। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना। राई दाना इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1.5 खाने के चमचे के बराबर। अदरक ऐड करेंगे, कुटा हुआ अदरक इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, सो दैट खाने को आसानी से डाइजेस्ट भी किया जा सके और मजेदार भी बनाया जा सके। दही इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 पाव। साबुत लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, साबुत लाल मिर्चों का बहुत मजे का फ्लेवर आता है, इसका जो है वो हल्का सा जला के हम इसको यूज करेंगे, यानी कि इसका हम भगारा तड़का भी लगाएंगे। सफेद जीरा हम यूज करेंगे इसमें, साथ साथ इसमें नमक जाएगा एज यूजुअल हसबे जायका। और माश की दाल हम यूज करेंगे, अच्छा जो माश की दाल है ना, इस माश की दाल को हमने पहले से उबाल के रखा हुआ है, बिकॉज माश की दाल को पकने में काफी टाइम दरकार होता है। करेंगे हम क्या कि माश की दाल को अब चढ़ाना, जिसको हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ये हम स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम लेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल, सॉरी 1 कप के बराबर पानी हम लेंगे। और 1 कप ऑयल तो कभी भी डाइट जायका में आई थिंक तकरीबन टोटल मिला के कोई 10-12 डिशेस में भी हम यूज नहीं करते। अच्छा, पानी में मैं ऐड करूंगी तकरीबन 2 कप पहले से उबली हुई माश की दाल, जो कि अभी यू हैव टू मेक श्योर कि बिल्कुल दाना दाना हो, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो दाना दाना ये हल्की सी तब भी रहेगी लेकिन मुलायम हो जाएगी। अभी हमने इसको मुलायम नहीं किया हुआ, तकरीबन हमने इसे पकाया हुआ 20 से 25 मिनट, जिससे ये थोड़ी ज्यादा पकेगी। साथ में इससे मैं ऐड करूंगी नमक हसबे जायका। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही मजे की बनती है। नमक मैंने इसमें तकरीबन ऐड किया है 1 खाने के चमचे के बराबर। अच्छा, साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची और अदरक, 2-3 चीजें हैं इसके फ्लेवर को मजेदार करने के लिए, लेकिन इसका एक बड़ा डिस्टिंग्विश सा फ्लेवर होता है। कोई लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं होती पाउडर फॉर्म में, कोई इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, कोई प्याज की ग्रेवी नहीं बनती, इट्स ऑल अबाउट माश की दाल। इसमें हम ऐड करेंगे अदरक भर के, ये 1 और ये 2 टीस्पून के बराबर। एक बहुत ही ना प्रोमिनेंट फ्लेवर आना चाहिए अदरक का माश की दाल के साथ। इसमें हमने अदरक ऐड कर दिया 2 खाने के चमचे, माश की दाल ऐड की 2 कप्स के बराबर, नमक ऐड किया हसबे जायका, और इसको हम पकाएंगे हल्की आंच करेंगे। और इसमें मिर्च मसाले फ्रेड करने के लिए हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्च, लीमू एंड अदरक। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब एक दूसरे के साथ होता है बहुत मजे का लगता है।